सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुखेंदु, आप देख रहे हैं स्टेक। गाइज देखिए, बहुत दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था। मेरा एक सब्सक्राइबर ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि डांसिंग गर्ल जो इफेक्ट होती है 3D गेट पर यूज होती है, तो उसको कैसे बनाते हैं। तो वही मैं आप लोग आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। देखिए गाइज, बहुत दिन पहले मेरे को ये रिक्वेस्ट किया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन गाइज उस टाइम मैं काफ़ी बिजी था और गाइज उसके बाद COVID-19 आ चुका था। तो इसीलिए गाइज देखिए, उस COVID-19 पर नेट का जो स्पीड है वो ज़्यादा घट गया था, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि गाइज वहाँ पर मैं जब अपलोड करूँगा तो मेरे को ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए उस टाइम नेट का स्पीड ज़्यादा स्लो हो गया था। तो चलिए, आज तो मैंने ब्रॉडबैंड लगा लिया है और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा उस तरह का इफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो गाइज, आपने मेरे इस चैनल पर नया विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, उसके बाद ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए इसी तरह का पिक्सेल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। और गाइज देखिए, कोई भी जानकारी आपको लेना है, कोई भी पिक्सेल रिलेटेड जानकारी आपको लेना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो या इसकी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर जाके भी कॉमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को उसका रिप्लाई भी कर दूँगा। तो चलिए गाइज, आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगा डांसिंग गर्ल इफेक्ट पिक्सेल 3D गेट के लिए जो यूज होता है उसको कैसे बनाते हैं। तो गाइज देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है ग्रीन स्क्रीन। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च करना है ग्रीन स्क्रीन डांसिंग गर्ल वीडियो। देख सकते हो मैंने इससे पहले भी सर्च किया था, तो चलिए यहाँ इस तरह का आपको लिख के सर्च कर लेना है। तो देखिए, इसके बाद आपको इस तरह का ग्रीन स्क्रीन बहुत सारी डांसिंग गर्ल की वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए इसी तरह का देख सकते हो, बहुत सारा है। देखिए कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरह का वीडियो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कलर है वो आपको अच्छे नहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइज इस तरह का ग्रीन और ब्लैक के ऊपर आप यूज करोगे तो ये सबसे अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पर बहुत सारी वीडियो है, आप कोई भी आपका मर्जी, आप जिस वीडियो को यूज करना चाहती हो उसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। तो चलिए, मैंने इससे पहले ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए मैं मोबाइल पर आप लोगों को दिखाऊंगा इसके बाद मोबाइल पर आपको क्या करना है। मोबाइल पर भी आपको थोड़ा काम करना है, क्योंकि गाइस देखिए, इस जो वीडियो है इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ये ग्रीन का है, तो इसका आपको पहले चेंज कर लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये ब्लैक कलर की गर्ल डांसिंग कर रहा है, तो इसके पीछे मैं व्हाइट कलर की बैकग्राउंड सेट करूँगा। तो पहले व्हाइट कलर की बैकग्राउंड सेट करूँगा, उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर पर आके दिखाऊँगा कैसे आपको प्रोग्रामिंग करना है। तो चलिए मैं मेरा मोबाइल पर ले जाता हूँ आप लोगों को, और वहाँ पर दिखाऊँगा कैसे उसका बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। सो देखिए गाइज, मैंने मेरा मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो चलिए गाइज, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा। ठीक है गाइज, तो आप मैं दोनों एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, काइंड मास्टर और पावर डायरेक्टर, दोनों में से आप कुछ भी एक एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो इसका बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। तो चलिए मैं पहले काइंड मास्टर यूज करके दिखाऊँगा, उसके बाद आप लोग को दिखा दूँगा पावर डायरेक्टर यूज करके। देखिए गाइज, मैंने काइंड मास्टर को ओपन कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली न्यू प्रोजेक्ट कर लेना है। देखिए गाइज, मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली मीडिया पर क्लिक कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड देख सकते हो, यहाँ पर बैकग्राउंड पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए गाइज, आपको व्हाइट कलर की बैकग्राउंड चूज कर लेना है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देखिए आपका मर्जी, आप जिस कलर करना चाहती हो वो कर लीजिए। ठीक है, मैं व्हाइट करके दिखाऊँगा आप लोगों को। तो चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना है, और इसके बाद देखिए गाइस, आपको लेयर पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको मीडिया का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। देखिए इसके बाद आपको जो वीडियो आपने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर इनपुट करना है। देखिए गाइस, मैंने ये वाला वीडियो डाउनलोड करके रखा, देख सकते हो। तो चलिए इसके पहले आपको फुल कर लेना है। देखिए मैंने फुल कर लिया है।
इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर, वीडियो क्लिप के ऊपर क्लिक करना है, जस्ट टच करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की का, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और इसके बाद देखिएगा इसको आपको इनेबल कर देना है। देखिए इसका जो बैकग्राउंड थे वो हट चुका है। और देखिए गाइस आप यहाँ से इसका बैलेंस भी कर सकते हो। देखिए गाइस ये मेरा तैयार हो चुका है। तो चलिए इसका आपको क्या करना है, अभी सिंपली सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। और इसके बाद सिंपली यहाँ पर देखिए शेयर का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना। देखिए गाइस उससे पहले आपको क्या करना है, इसका जो क्वालिटी है इसको थोड़ा घटा देना है। इसके बाद आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। देखिए इसके बाद आपको कहना है सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है, इसको लेटर कर देना है। और यहाँ पर आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एक एक प्रोजेक्ट ले लेना है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक वीडियो ले लेना है। तो वीडियो तो मैं नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर कलर बोर्ड ले लेता हूँ। देखिए इसको भी सेम प्रोसेस है, आपको बड़ा लेना है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और इसके बाद आपको उस वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। देखिए इसी तरह का आपको फुल जूम कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए गाइस तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली वीडियो क्लिप के ऊपर क्लिक कर लेना है। और इसके बाद देखिए गाइस आपको एक पिन का आइकन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और इसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर भी आपको एक मिल जाएगा क्रोमा की का ऑप्शन, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आपको देखिए कलर को चूज कर लेना है। देखिए इसका जो बैकग्राउंड थे वो मेरा हट चुका है। देखिए देखिए गाइस इसका जो बैकग्राउंड ग्रीन कलर के बैकग्राउंड थे वो मेरा अभी हट चुका है। तो इसको आपको कैसे सब करना है, सेम प्रोसेस है गाइस। यहाँ पर आपको एक कोने के ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक कर लेना है। देखिए गाइस मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद देखिए इसके बाद आपको सेव टू गैलरी क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको क्वालिटी चूज करके यहाँ पर प्रोड्यूस कर लेना है। तो चलिए मैंने तो इससे पहले कर लिया, तो चाहिए तब भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इसको भी सेव करके। सो देखिए गाइस मैंने फिर मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोनों जो वीडियो मैंने प्रोड्यूस किया उस वीडियो को। मैं यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर कॉपी कर लिया है, देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए दोनों वीडियो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। और चलिए इस दोनों वीडियो को मैं यूज करके आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे इफेक्ट बनाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एलईडी एडिट ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं एलईडी एडिट को ओपन कर लेता हूँ। देखिए गाइज मेरा मैंने एलईडी 2014 को ओपन किया, क्योंकि मैंने 2014 ही यूज़ किया था हमेशा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको कंट्रोलर सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को जो दिखाऊंगा, मैं HWF फाइल तैयार करके दिखाऊंगा। देखिए वो जो HWF फाइल आपको मिलेगा उसको आप आसानी से कहीं भी यूज कर सकते हो। देखिए गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली लाइट लेआउट पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर देखिए गाइज आप 1632 के लिए करोगे तो आपको यहाँ पर 64x64 लाइट लेआउट लेना पड़ेगा, ओरिजिनल पिक्सल और बढ़ेगा पिक्सल। और गाइज आप 1224 के लिए करोगे तो आपको 48x48 लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं 16x32 का करके दिखाऊंगा। तो मैंने 64x64 ले लेता हूँ। तो इसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली ओके कर लेना है। और यहाँ पर भी आपको ओके कर लेना है। देखिए गाइज मेरा लाइट लेआउट आ चुका है 64x64 का। इसके बाद गाइज देखिए इसका आपको क्या करना है, थोड़ा जूम आउट कर लेना है। इसको इस साइड आपको रख लेना है।
और देखिएगा इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वीडियो, जो दोनों वीडियो आपने बैकग्राउंड चेंज किया उसको आपको सिंपली वीडियो प्लेयर पर, कुछ भी प्लेयर पर आप इसको ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट पर चले जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली ओपन पर क्लिक कर लेना है। और देखिए एक स्क्रीनशॉट का पेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको पोजीशन कर लेना है। और इसके बाद देखिए गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको इस वीडियो को प्ले कर देना है। ना यहाँ पर स्टॉप कर लेना है रिकॉर्डिंग को और इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट को भी क्लोज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एडिट और प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको चले जाना है और यहाँ इसके साथ जाकर आपको यहाँ पर सिंपली एडिट प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेम को देख लेना है। देखिए देखिए 59, चलिए मैं 59 फ्रेम डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देखिए इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिएगा इसको आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेना है। देखिए और भी मैं थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ, देखिए आप प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइज इसी तरह का आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए गाइज चलिए मैं लास्ट पर भी थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, चलिए मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए देखिए गाइज मैंने 306 फ्रेम रखा है, तो चलिए इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक। तो चलिए गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर नेक्स्ट एडिट और प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है, इसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। तो देखिए गाइज मैंने सेव कर लिया है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। देखिए गाइस इसको सेव करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट एग्जिट करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको देखिए एक्सपोर्ट प्रीव्यू HWF फाइल, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। तो चलिए मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ।